पितर ये सूत्र तो लगाया था घुटित च वाला, फिर इसमें व्यंजनाश्चय स का लोप हो गया और ना हाँ, ये पिता है हो गया था, हे पिता है, हे माता है, और एक सौ विसर्जनीय से आप हे पिता है हे माता हो गया, व्यंजनाश्चय सूत्र से स का लोप हो गया था। और पितृधन अव तो पितृ हो गया, हे पितौ हे मातृ, पितरौ पितरौ हे पितरौ हे मातृ। अब कौन से व्यक्ति लाना है? अब अपन को लाना है पितृधन अम अम अभी तो हाल तीसरी है ना इसके संबुति में, अम संबुति में जस विभक्ति जस शस अम 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 लाना है अम विभक्ति द्वितीय विभक्ति हो गया अम का, तो अम क्या अम में क्या बनेगा? पितृधन अम लिखा हम लोग हाँ, फिर घुटी चे सूत्र से री को अर आदेश किया तो ये हो गया पितरम हो गया, ठीक है। और मातृधन अम विभक्ति में मात ये घुटी चे सूत्र से अर आदेश किया फिर मातरम हो गया, ठीक है। और अव विभक्ति तो सेम हो गई पितरव और मातरव, ठीक है, प्रथम की द्वितीय पितृधन अस और मातृधन अस विभक्ति आ गई। अब ये तो घुटी नहीं है, सस विभक्ति लाए अब सस, हाँ सस विभक्ति है ना। सभी लोग जागृत है कि नहीं है? हाँ जी भी सभी लोग जागृत है जी भैया जी। ये दीदी कौन है? दीदी जिनके नाम को मोबाइल आ रहा है दीदी वो कौन है भाई? अमरावती है क्या? नाते पोते दीदी जो आ रही है वो कौन है? चलिए लिखा सब लोगों ने कुछ पितृधन अस लिखा, पितृधन सस लिखा अम अम अस बचा है अस अस हाँ पितृधन अस कर दो इसको साथ में भैया जी, मातृका भी लगाना है क्या? हाँ दोनों को एक साथ चलाना है मातृधन अस। अब आपको नई चीज में दिखाना चाह रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, बताइए। सभी लोग सुन रहे हैं ना? जी भैया जी। तो सभी लोग सुन रहे हैं तो मैं इसकी अग्नि संज्ञा कर रहा हूँ और अग्नि संज्ञा पर आप लोग बताइए क्या बनेगा रूप। अच्छा बताइए अग्नि संज्ञा करती है, अब आप इसका रूप बनाइए कैसे बनेगा? अग्नि संज्ञा तो ई और ऊ की हुई थी ना भैया जी पहले? हाँ छोटी ई छोटा ऊ का हुआ था अग्नि संज्ञा। दसवें व्यक्ति के आने पर मैंने अग्नि संज्ञा कर दी है, अब आप आगे काम करिए। अग्नि संज्ञा कैसे कर दी भैया जी? अरे जबरदस्ती कर दी दादागिरी से। अग्नि संज्ञा होगी क्या? अरे मैंने जबरदस्ती से कर दी है दादागिरी से, आप तो काम करो। अग्नि संज्ञा कर दी मैंने, अब आप काम करो। हम लोग तो यही करो करो बनाओ, अपने अपनी कॉपी में बनाओ। ससोकार सस्यनो स्त्रियां करते जाओ, दोनों प्रयोग को दोनों प्रयोग सही होना चाहिए। आज तनख्वाह देना है, तीसरा महीना चालू हो गया। मैंने जबरदस्ती दादागिरी से अग्नि संज्ञा कर दी है, अब आप काम करो। तो इसमें अस के स्थान पे क्या हो गया फिर? मुझे क्या मालूम क्या होगा? ससोकार सस्य का लोप हो जाएगा, स्त्रियां से नहीं सह का लोप हो जाएगा, फिर ना आ जाएगा सह का लोप, शस के साथ जो है इसके साथ ना आ जाएगा। अब पिछले सूत्रों में तो हमने वो जो जो आकार होता था उसको करते थे, जो से पहले पूर्व स्वर, जो पहले पूर्व स्वर होता था उस वक्त हो जाता था ये, तो इसमें रू जैसे ही हो जाएगा कि सही रास्ते पे हो, सही रास्ते पे हो, सही यही काम करना है।
फिर ये समान फिर तो दोनों फिर भैया जी समान श्रवण ने दीर्घ भक्ति सूत्र भी लगेगा क्या? लगेगा सब वही काम होगा जो आप करते हैं वही करना है। पितरन पितरन हो गया फिर तो, ये पितरन मातरन द्वारा पितरा पितरा होगा पितरा पितरन ना क्यों ना है ना उधर पितरी इसमें सूत्र के स्थान पे ना हुआ है ना सबके स्थान पितरन हुआ है पितरन और मातरन दीदी शुरू से बोला शुरू से क्या बोलूं भैया जी मेरी समझ सही है कि गलत है? रचना दीदी दोबारा बोलो सही बोल रहे हो गलत है भैया जी मेरे को लगता है आपने सही बोल रहे हैं रचना दीदी सही बोल रहे हैं दोबारा बोलो सही बोल रहे हो भैया जी पितृ पितृ धन रोधन पितृ धन रोधन शस्था शाका अनुबन लोपों के अस हो गया ठीक है शाबाश तो अब पितृ इधर इस तरफ पिता है अब आपने क्या बोला आपने अब मैंने बोला अग्नि संज्ञा कर दो अरे अग्नि संज्ञा मुझे समझ में नहीं आया अग्नि संज्ञा तो ये रूकी होती थी अरे मेरी बात तो मान लो गुंडा कर दी जैसे मैंने दादागिरी से बना दी अब तो आगे काम तो करो अब इसमें फिर वही शशोकार शश्च नौ स्त्रियां सूत्र लगाया है हमने तो उसने उससे क्या किया आपने काम हमने उसके अस के स्थान पे सा के स्थान पे तो ना हो जाता है और उससे पूर्ववर्ती स्वर पूर्व रूपी हो जाता है तो ये र जो है डबल हो गया रा हो गया कि रिरी है रीरी रीरी सॉरी डबल हो गया रीरी डबल हो गई तो हाँ तो समान श्रवण ने दीर्घ भक्ति परश्चय लोपम जब ये डबल हो गया तो फिर ये दीर्घ री हो गया तो क्या बन गया तो ये मेरा तो पितरन बना है पितरन और मातरन पितरन बन गया और क्या बना हाँ जी मातरन मातरन मातरिन हाँ मातरिन और बताओ छोटी दीदी तुम बोलो दोनों को बनाओ दोबारा हाँ भैया जी पित्री पित्री धन शस अपन ने इसको अग्नि संज्ञा की तो शशोकार शश्च नो स्त्रियां से शस के शक अकार को अपन पूर्व स्वरवत कर दिए रिकार और स को अपन ने न आदेश कर दिया ठीक है अपन ने समानः सवर्णे दीर्घी भवति परश्च लोपम सूत्र से रिरी आदेश किया और पर रिकार का लोप कर दिया तो अपना बना पित्रेन और मात्रेन सूत्र का अर्थ क्या है शशोकार शश्च नौ स्त्रियां का शशोकार शश्च नौ स्त्रियां बोलता है कि शस के आकार का पूर्व स्वरवत हो जाता है शस का आकार और स को न आदेश हो जाता है कहाँ होता है और अर्थ बताओ आधा अर्थ हुआ और अच्छा ठीक है माता में नहीं होगा अस्त्रिया में होगा अस्त्रियान में ये चीज होगी स्त्रीलिंग शब्द में ये चीज नहीं होगी स्त्रीलिंग में क्या नहीं होगा ये स को न और अ को पूर्व स्वरवत सा को तो पूर्व स्वर हो जाएगा सा को ना नहीं होगा सा को न नहीं होगा अच्छा सा को न भैया जी मातरन में नहीं होगा मातरन में नहीं कह रहा सूत्र कौन सा शशोकार स्त्रियां क्या कहता है स्त्रीलिंग को छोड़कर तो ये मातरन तो स्त्रीलिंग हो गई ना हाँ तो इसलिए सा को नानी करना है सा को साई रहने देना अच्छा तो फिर सा को साई रहने देंगे इसमें मातृ माँ मातृ शब्द में सा को सा रहेगा और आ को पूर्व स्वर हो जाएगा तो हाँ तो फिर ये फिर मातृ हो जाएगा फिर ये ग्रेव सो विसर्जनीय लगेगा इसमें आगे समझ में आया भैया जी भैया जी जो आपने ये अग्नि संज्ञा लगाई इसके लिए भी कोई सूत्र है क्या अरे बिना सूत्र के कोई काम होता है क्या थोड़ा धैर्य तो रखो लक्ष्मी आने वाली है चतुर्दशी आने वाली है उपवास करना है अरुण भैया जी थोड़ा सा इनका धैर्य दूर करो अरुण भैया जी इनको धैर्य नाम की चीज नहीं है थोड़ा और आगे बढ़ाइए अरुण भैया जी और आगे बढ़ाइए बस पढ़िए 197 नंबर का सूत्र अग्निवत छसी मिल गया रचना जी हाँ
हाँ अग्निवत छसी, तो इसमें लगेगा क्या? मिल गया कि मिल गया? अग्निवत छसी। रचना दीदी। हाँ भैया जी। मिल गया कि नहीं मिल गया? तो इसका अर्थ क्या है? अरे सस विभक्ति के होने पर अग्निवत कार्य होता है। अच्छा तो भैया जी ये सब याद कैसे रहेगा? ये तो इतने सारे बहुत पर्युषण पर्व में पूजा पढ़ते हैं। धरे रे संतो ये तो इतने मिक्सअप हो गया सारा। वापिस रिवीजन कर लेंगे अपन दीदी से, छोटी दीदी से पढ़ लेंगे। ऐसा ऐसा है, अगर आप रिवीजन करने के लिए कहेंगे तो दोबारा चालू रिवीजन करवा देते हैं, अपने को क्या लगता है? नहीं नहीं पीछे की तैयारी पूरी करते हैं। अरे नहीं भैया जी आगे चलना पड़ेगा। बोलो अग्निवत छसी क्लास चल रही है कातंत्र की हमारी जूम पर। कौन सी चल रही है भैया जी? शुरू कातंत्र रूपमाला की सवेरे सवेरे 5 बजे से भी क्लास चलती है जूम पर हमारी लिंक पर। अरे वो भैया जी 5 से 6? हाँ 5 से 6। तो उसमें हमारे को भी दे देना लिंक, कौन सा है वो, क्या नाम है, और हम भी कर लेंगे सूर्य के सूत्र जो हैं। हमारी लिंक तो आपके पास में है ना? ये नहीं है, वापिस से करें। हमारे पास तो नहीं है भैया जी, अभी हम भेज देंगे ग्रुप में भेजते हैं। आपने अपना नंबर भेजा ही नहीं आपने? हमने भेजा है भैया जी, मैं तो पहले दिन ही भेज दिया था। जयजनेंद्र भेजी ना? जयजनेंद्र नहीं नहीं जी, मैंने भी भेजा ना, फोन नंबर अपना नाम लिख के भेजा था। भेजा है तो ठीक है, अभी भेजता हूँ। हाँ और वो भैया जी मैंने भी तो भेजा है। सूत्र पढ़ा रहे हैं आप शुरू के? उनको उनको शुरुआत करी है, 50 सूत्र तो पहुँच गया हूँ 2 दिन में। अरे 25 सूत्र तक? 50 सूत्र हो गए। अरे 4 दिन है, हमें भी पढ़ना था। पढ़ना 5 बजे से जुड़ जाना सुबह। रोज होती है इसकी भी? रोज रोज 5 बजे से, सवेरे 5 बजे से होती है। आप लोग जुड़ जाना, सुनते रहना, और कोई शंका समाधान हो तो दोपहर में कर लेना। हाँ, मेरे को तो शुरू से ही करना था भैया जी। हाँ तो शुरू से करा देंगे, कोई चिंता नहीं है। ठीक है, है ना? ठीक है। हाँ तो अग्निवत छसी क्या कहता है बोलो? अग्निवत छसी कहते हैं सस विभक्ति परे होने पर अग्नि संज्ञा होती है। अग्नि संज्ञा होती है, या अग्नि संज्ञा के तरह काम होता है। अग्नि संज्ञा की तरह, अब नीचे लिखा हुआ दिख नहीं रहना क्या? नीचे दिखाते नहीं हमारे भैया जी, अरुण भैया जी कहते होना चाहिए। तो ये वाला सूत्र क्या है, ऊपर वाला 190, ये ऊपर वाला जो सूत्र अग्निवत छसी का पढ़ाऊंगा, अभी बाद में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ाऊंगा जी भैया जी। हाँ बोलिए, अग्निवत छसी से क्या बन गया? देखो पितृन बना है कि नहीं बना? पितृन भैया जी, इसमें अग्निवत छसी के मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ है, जैसे अग्निवत करते थे हम। अग्निवत छसी ये कह रहे हैं ऋकारांत शब्दों को सस विभक्ति के आने पर अग्निवत कार्य होता है। जो अग्नि संज्ञा के होने पर सस विभक्ति में काम करते हो वो यहाँ पर भी कर दो। माने मान के चलो कि सस विभक्ति में इसकी अग्नि संज्ञा कर दी है। अब आया समझ में? नहीं आया थोड़ा थोड़ा? सीधी सीधी बात है, सस विभक्ति में अग्नि संज्ञा करना है। आपने अग्नि संज्ञा करके रूप भी बना दिया था, सस कारण सस्यनो स्त्रियां, पूरा पितृन बना दिया था आपने, पूरा समझ में? थोड़ा थोड़ा क्यों कह रहे हो? नहीं भैया जी वो ऊपर का इसमें कंफ्यूजन हो रही है, या नहीं अच्छे सूत्र से जैसे हम ई और वो की वो करते थे ना अग्नि संज्ञा, तो इसमें भी वही चीज करिए क्या? मैंने आपसे क्या बोला, ई और ऊ की तो होती है सस विभक्ति में, हमने जबरदस्ती कर दी, आपसे बोला नहीं था? अच्छा अच्छा, तो ये लिखेंगे कैसे भैया जी इसको? इसको ये लिखेंगे अग्निवत छसी सूत्र से सस विभक्ति में अग्नि संज्ञा के समान काम करना है। सस विभक्ति के आने पर ऋकारांत शब्दों को अग्नि संज्ञा के समान काम करना है, अर्थात ससोकार सस्यनो स्त्रियां सूत्र लगाना है। बस इतना ही तो काम है, उसका काम आप जानते ही हो, आपने काम कर भी दिया। आर के स्थान पर रिरी कर दिया, सा के स्थान पर ना कर दिया, स्त्रीलिंग को छोड़कर। ध्यान रखना सब लोग, स्त्रीलिंग को छोड़ने का मतलब है सा को ना ना करना, सा को ना नहीं करना। बस पूर्व रूप तो काम करना, लेकिन स्त्रीलिंग में सा को ना नहीं होगा, एक काम होगा एक नहीं होगा।
स्त्रीलिंग में तो मात्री हो गया ना, नहीं तो स्त्रीलिंग में क्या है पुरुष स्वर तो हो जाएगा लेकिन साथ में ना नहीं होगा, इतना ध्यान रखना, एक काम नहीं होगा, दो काम होते हैं ना तो एक होगा जी। स्त्रीलिंग के शब्दों के होने पर एक काम हो जाएगा एक नहीं होगा, हो गया। हाँ जी भैया। अब अगली विभक्ति लाओ, अगली विभक्ति कौन सी आएगी? ता। ता ले आओ, ता में से क्या बचेगा? हाँ ता का अनुबंध रूप। से आ बचा? आ बचा है, आ बचा है, आ बच रहा है। अब एक सूत्र पढ़े, रम में वर्णा। हाँ वो 40 नंबर का है, रम वर्ण शुरू का था ये तो। हाँ तो क्या कहता है वो? उसमें रा री के स्थान पर रा हो जाएगा उसमें शायद। हाँ तो कर दो। सही है, शायद नहीं बोला करा करो। सही है। हाँ शायद बोलोगे तो फिर महाराष्ट्र से शिकायत कर देंगे वीर सागर जी से। फिर व्यंजन भैया जी, इसमें व्यंजन मसौरा परवर्णम नहीं है तो सूत्र भी लगेगा ना? लगता है वो तो लगता ही लगता है, वो तो अपने आप में उसको लगाने नहीं लगाओगे तो लगेगा। पित्रा, पित्रा बन गया, पित्रा पित्रा बन गया। माता का क्या बनेगा? माता का भी बन जाएगा मात्रा। मात्रा बन जाएगा। अब ध्यान विभक्ति लाओ, अगली अगली लाओ जल्दी जल्दी। मात्रा बन जाएगा ना भैया जी इसका? हाँ बिल्कुल सही। अब इसका पितृभ्याम, इसका तो ऐसे बन जाएगा, उसका पितृ भी, और मात्री का मातृभ्याम। मातृभ्याम हाँ ठीक है। अब इसमें मातृ भी, हाँ और विसर्जनीय पितृ भी, पितृ भी, हाँ चतुर्थी विभक्ति ले आओ। पितृधन गे, हाँ इसमें भी रमरी वर्णा लगा दो। हाँ तो इसमें पित्रे बन गया, पित्रे, पित्रे। और माता का मात्रे, मात्रे, मात्रे। हाँ चले। और भ्याम में ले आओ, पितृभ्याम, मातृभ्याम, पितृभ्याम, मातृभ्याम। चलिए कौन सी विभक्ति लाओगे? भैंस, भैंस, षष्ठ पंचमी चौथी की भै तो हो गया, पितृ भी, मातृ भी। पितृ घसी, पितृ घसी, घस घसी लाए, घसी, हाँ जी घसी में से क्या बचा? अस 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 बचा ना। अब अस के जो आ है को तुम हु कर दो। क्या करे अस, क्या करे? अस के आ को हु कर दो, अस के आ को हु कर दिया, कर दिया। और रमरी वर्ण लगा दो। तो ये तो पितृ बनेगा, पितृ। अरे सोच समझ के बना, जल्दी क्यों करते हो भैया जी? ये अगर ये बमु वर्ण लगेगा तो इसमें ये पितृधन ऋ पितृ दिया। हाँ? अरे गलत बोल दिया, गलत। पितृ पितृ बनेगा भैया, पितृ बनेगा, पितृ बनेगा। अरे गलत बोल दिया है, दोबारा लिखिए। क्या करना? हेलो क्या? हाँ भैया जी, पितृ दोबारा बोल रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ। घसी के आका और रिरी दोनों के स्थान पर वो आदेश करना है तो फिर पितृ बनेगा भैया। अरे घसी का आ और रिरी इन दोनों के स्थान पर वो आदेश करना है, छोटा वो पितृ, पितृ बनेगा, पितृ, पितृ बनेगा। मातृ का क्या बनेगा? मातु। हाँ बताओ दोबारा आपने क्या किया दोबारा? घसी, घसी विभक्ति में क्या किया आपने काम? हमने ये रु को और अ को जो है ऊ कर दिया। हाँ घसी को और उसके ऊ को, रि को और उ को, हाँ लग जाएगा। क्या बन जाएगा? अरुण भैया जी थोड़ा सा आगे बढ़िए, अरुण भैया जी बस बोलिए। रिदंतात सा पूर्वः, पूर्वः पूर्वः दंतात माने रिदंत, रिदंत अंत रिकार है, उस रिकार सहित गति गत विभक्ति के आने पर
ऊ आदेश होता है गसी गस के आ के स्थान पर और रि के स्थान पर ऊ आदेश होता है। फिर से भैया जी। ठीक है फिर से भैया जी। फिर से रिदंतात सा पूर्वः गसी के आ के स्थान पर रि सहित ऊ आदेश होता है। रिदंतात सा पूर्वः गति गत विभक्ति के आके स्थान पर ऋकार सहित उ आदेश होता है। कर दिया? हाँ भैया। क्या बनेगा? पितुहु मातुहु। पितुहु मातु। और आगे बताते जा जल्दी जल्दी बनाते। पितृ धन ओस। तो इसमें भी रमरू रमरू वाले सूत्र से रिकार के स्थान पर रेफ रह जाएगा क्या? पहले व्याम व्याम व्यास विभक्ति भी तो लाओ। और लिख दिया पितृ व्याम मातृ व्याम पितृ भी है मातृ भी है। ठीक है अब ओस विभक्ति लाओ। पितृ धन ओस में रमरू वर्ण लगेगा क्या? हां रमरू वर्ण लगेगा तो रिकार के स्थान पर रह जाएगा भैया जी इसमें भी। ठीक है और फिर व्यंजन मस और परवर्णम नेत रेफ स्वर विसर्जन से पितृ हो गया पितृ हो मातृ हो। ठीक है अब आम विभक्ति लाओ। पितृ धन आम आमी चनु आमी चनु। हां तो उ का अनुबंध लोप तो ना हो जाएगा ना। दीर्घम आमी सनु से दीर्घम आमी सनु सूत्र से और रचना दे दे। पितृ नाम और रचना दे दे। हां भैया जी नकल करके बोल रहे हो कि अकल करके बोल रहे हो? अकल से बोल रहे हैं भैया जी अकल से। अभी तो आप कह रहे थे आपको तो समझ में नहीं आ रहा। नहीं ये वाला तो समझ में आ गया। आ गया बहुत बढ़िया चलो फिर से दिखाओ। दीर्घ मामी सनो सूत्र से दीर्घ हो जाएगा रूका दीर्घ हो जाएगी तो ये पितृ नाम। पितृ नाम नहीं इसमें वो लगेगा राष्ट्रीय बनने भी लगेगा इसमें राष्ट्रीय बनने पितृ नाम पितृ नाम मातृ नाम मातृ नाम आदेश कर दो किसके स्थान पे पर पितरी हो गए पितरी के स्थान पे अर पितरी हो गए अर पितृ शब्द में। हेलो भैया जी मैं एक सूत्र एक मिनट सुरेखा जी आप अपना अनम्यूट करो। भैया जी ये पूछना था मुझे एक सूत्र आया ऋ वर्ण ने अर तो उसमें ऋ वर्ण ने ये वाले सूत्र इसमें ही लगेगा क्या ऋ वर्ण ने अर वाला? क्या हो गया दिमाग खराब? ऋ वर्ण ने अर का सूत्र क्या है? ऋ के स्थान पे अर हो जाता उसमें भी तो शुरू में ही था वो सूत्र बताओ पहले। छोटी दीदी जी भैया जी अ के परे रिकार हो तो पहले समझाओ दीदी को दोबारा समझाओ। अ के परिवर्ण अर सूत्र बोलता है कि अकार के परे अवर्ण के परे रिकार होगा तो अ को अर आदेश होगा और परस्य लोपम हाँ रिवर्ण हो जाएगा और पर का लोप हो जाएगा परस्य लोपम। क्या आया समझ में दीदी? हाँ भैया जी फिर इसमें तो फिर हेलो रचना दीदी। हाँ भैया जी क्या समझ में आया समझाओ तो। नहीं भैया जी मैंने ये सूत्र शुरू के पढ़े नहीं मेरे को यही तो पढ़ने थे आपसे। अरे पढ़ने थे तो इसका मतलब ये पढ़ने गलत ठोको याद तो कर लिया लेकिन ना वो पढ़े नहीं समझ में नहीं आया जब तक पूछ रहा आपसे पढ़ेंगे नहीं एक बार पढ़ेंगे हैं। हाँ हाँ चलिए के स्थान पे क्या कर दिया आपने आगे बढ़िए इनको बहुत उतावली होती है पितरी मातरी। अभी रुक जाओ अरुण भैया थोड़ा आगे बढ़ाओ ये है ना अरुण भैया जी बस 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 हाँ पढ़िए अर गौ अर गौ अर गौ अर गौ अर गौ अर गौ
गी विभक्ति के होने पर ऋषि के स्थान पर हर आदेश होता है। गी विभक्ति के होने पर बोलिए विभक्ति की क्या बोला भैया जी? गी विभक्ति के होने पर ऋषि के स्थान पर हर आदेश होता है। विभक्ति होने पर ऋषि के स्थान पर हर आदेश होता है। विभक्ति के होने पर ऋषि के स्थान पर हर आदेश होता है। तो हर आदेश कर दोगे तो क्या बन जाएगा? मातृ पितृ मातृ ठीक है। और उस विभक्ति लाओ तो क्या बनेगा? कौन सी? पितृ मात्रो बहुवचन में बनाएंगे अभी। पितृधनसु पितृषु मातृषु कौन सा सूत्र लगा इसमें? लगा एक तो पाप अनुबंध लोप हुआ, पाप अनुबंध नामिकर प्रत्यय प्रत्यारण विकार अनुमस्त वाला सूत्र। 150 नंबर सूत्र लगेगा इसमें। 150 नंबर का सूत्र लगेगा तो क्या बन जाएगा? पितृषु मातृषु मूर्धनी सा बन जाएगा वो 150 नंबर सूत्र से। अब चलिए अब आप कर्तृ शब्द लिखिए। कर्तृ कर्तृ हाईलाइट कीजिए। कर्तृ दिखाइए नीचे कर्तृ शब्द को हाईलाइट कीजिए। कर्तृ कैसे लिखना है जी? कर्तृ लिख रहा है कर्तृ हाथ दिख गया ऐसे लिखा है ऐसे लिखा कर्तृ। हाँ हाँ अब एक लाइन लिख लीजिए मैं आपको जो बताऊं और आपको पूरे रूप आपको शुद्ध खुद चलाना है। आसान है कि भारी है? रचना जी थोड़ा धीरे बोला करो आप बहुत जल्दी जल्दी बोल जाते हो। मैं ये हाँ रचना जी फटाफट बोल लेती हैं बहुत जल्दी बोलती है एकदम। भैया जी हर चीज में स्पीड है मेरी बहुत। कौन सी गाड़ी राजधानी में चलती है क्या तू? हर चीज में स्पीड है तो सूत्रों को याद करने में स्पीड क्यों नहीं है? सूत्र को याद करने में भी स्पीड बन जाएगी। अभी हमारी तनखा क्यों नहीं दे रहे 3 महीने से? सुना देंगे भैया जी सूत्र तो याद है लेकिन पहला अध्याय समझ में नहीं आया है बिल्कुल। एक बार हमारे को लॉकडाउन लगा हुआ खर्चा पानी की आवश्यकता है हमें पैसे दो हमारी तनखा दो 3 महीने हो गए। सुना देंगे भैया जी 15 दिन में पूरे सुना देंगे जितने भी पड़े हैं। 15 दिन की और तनखा कौन देगा? 15 दिन में पूरा सुना देंगे जितना भी आपने करवाया है जितना भी। चलो ठीक है तनखा दे देना हमारी चुका देना माता जी बनने के पहले। जरूर माता जी बनने के बाद भैया कब है दीक्षा? भैया जी कौन सा करना है माता जी? हाँ क्या बोल रहे क्या पूछ रहे भैया कब है रचना जी माता जी? अरे काम की बात कर लो पहले। कर्तृधनसी क्या पूछ रहे क्या प्रश्न किया था अभी? कर्तृधनसी बस कर्तृ रख लिया ना। हाँ हाँ मैं आपको केवल एक सूत्र एक लाइन दे देता हूँ उसमें आप पूरे कर्तृ शब्द के रूप चला लेंगे। जी बोलिए भैया जी। देखिए मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिए बाकी सब काम आपका आपको ही बोलना है अभी। अरुण थोड़ी स्क्रीन आगे पीछे कर दीजिए बस 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 आपने क्या लिखा है बोलिए? कर्तृ शब्द लिखा है? हाँ जी जी मैं एक लाइन लिखा रहा हूँ और आपको रूप चलाना है पूरे सब लोगों को। लिखिए कर्तृ शब्द में औ जस अम औ कर्तृ शब्द से औ जस अम और औ इन 4 विभक्तियों के आने पर अर स्थान पर आर आदेश होता है। इन 4 विभक्तियों के आने पर आर आदेश होता
हेलो हेलो सभी लोग आ गए होंगे वापस। हाँ अभी है जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। लिखिए जो मैं बोल रहा हूँ, एक लाइन लिख लीजिए। कर्त्री आदि शब्दों से, क्या बोल रहे भैया जी? कर्त्री आदि शब्दों से औ जस अम औ कितनी विभक्ति लिखाई? चार। हाँ, इन चार विभक्तियों के होने पर अर ना होकर आर आदेश होता है। पितरी में क्या किया था इन विभक्तियों के आने पर? अर आदेश किया था, अर आदेश किया था, और यहाँ आर। हाँ बस अब चला करो, अभी किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो, दोबारा समझाओ। रेखा दीदी, रचना दीदी, संतोष दीदी जी, इसमें लिखा है कि कर्त्री आदि शब्दों में औ जस अम औ चार, इन चार विभक्तियों के आने पर अर के स्थान पर आर आदेश होता है। बाकी में जैसे हाँ, वहाँ पे आर करना था। हाँ, अब आर करना है। नहीं, वहाँ पर क्या किया था? अर किया था। हाँ, अर किया था, अब इसको आर करना। बस अब शुरू से लेके शुरू से अंत तक पूरे रूप चढ़ा के दिखाओ, पहले इसी विभक्ति से। हाँ, तो कर्त्री धन सी, ये तो कर्त्री है, हो गया रेप सर्विसर जी में। क्या होता है कर्त्री में? सी में पहली विभक्ति में क्या बनता है? आसोसिलोपस्ट बनाया था आपने, माता बनाया था, नहीं बनाया था? ओ हाँ, बनाया था। आसोसिलोपस्ट भैया। हाँ, कल हमारा नेट नहीं चल रहा था, तुमने कल लिखा छूट गया। आपका नेट नहीं चल रहा है तो अपने मोबाइल में पानी भर लो। कल का छूट गया तो कैसे करेंगे इसको? कर तरीको अभी अभी बताएंगे, थोड़ी देर बाद जब समझ में आ जाएगा ना तब बताएंगे। अभी शुरुआत करी थी, सब लोग बता रहे थे, उतने में तो आप बना लेते। कल से नेट कितने बजे से नहीं चल रहा था? 2 बजे से नहीं, कल कोई ऐप चालू हो गया तो नेट पूरा हमारा उसी में हो रहा होगा, और इसमें आवाज नहीं आ रही थी। कल से अब तक क्या कर रहे थे? YouTube पे देख लेना। हाँ भैया। हाँ चलो बताइए जल्दी जल्दी। कर्त्री धन सी आसोसिलोपस्ट से री के स्थान में आ और सी का लोप हुआ तो बना कर्ता। फिर कर्त्री धन औ तो री के स्थान में आर आदेश हुआ तो बना कर्तारौ। फिर कर्त्री धन जस में कर्तारः तो रीरी के स्थान में आर आदेश हुआ बना कर्तारः। हाँ ठीक है। फिर अम कर्त्री धन अम कर्तारम स्थान में आदा आद आदेश हुआ बना कर्तारम। हाँ और में कर्तारम शस में कर्तारम रीरी धन शस, तो इसको भी अग्नि संज्ञा ले लेंगे। शशोकार नोस्त्रियां सूत्र से पूर्व स्वर्वस और न आदेश होगा तो कर्तान। अरे कर्तान नहीं, कर्त्रीन 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 कर्त्री
करता करता घंटा रमरी वर्ण रमरी वर्ण ताभ्याम कर्त्रिधन भ्याम कर्त्रिभ्याम कर्तृधन रोधन ताभ्याम कर्त्रा भैया जी तृतीय विभक्ति में कर्त्रा हो जाएगा ठीक है और कर्त्राभ्याम और कर्तृ भी कर्तृभ्याम कर्तृभ्याम और कर्तृ भी कर्तृ भी हाँ उसमें हो जाएगा कर्तृ कर्तृ कर्तृभ्याम और कर्तृभ्य कर्तृभ्य माता भैया जी माता कहाँ से आ गई माता के नहीं कर्तरी की बता रही हूँ पकड़ लिया तुमने वो वैसे ही उसकी कॉपी पे चला दी ना कर्तरी धन ऊ धन स ये बन गया कर्तृहु कर्तुहु कर्तु कर्तु कर्तुहु ये अब है कर्तृभ्याम कर्तृभ्या षष्ठी के क्वेश्चन में भी सेम बनेगा यही कर्तृ कर्तुहु द्विवचन में कर्तृधन ओस कर्तृधन र धन ओस कर्तृहो बन जाएगा कर्तृहो ठीक है कर्तृधन आम कर्तृणाम 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 कौन सा है सप्तमी एक वचन कर्तृधन घी कर्तृधन अर्धन ई कर्तृ भैया जी कर्तृ बनेगा इसका कर्तरी 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 हाँ कर्तरी के ऊपर रेफ कर्तरी 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 कर्तृ धन सुप कर्तृषु 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 बन जाएगा ठीक है थोड़ा आगे बढ़िए थोड़ा आगे बढ़िए 200 नंबर का सूत्र लाइए बोलिए धातु स्त्री शब्द स्यार धातु स्त्री शब्द स्यार धातु स्त्री धातु स्त्री शब्द स्यार ऐसे नहीं बोलना है बोला धातु धातु स्त्री शब्द स्यार सांस लो पहले थोड़ी सी धातु धातु थोड़ी सी थक गए शब्द भैया जी सुनाई नहीं दे रहा गड़बड़ी हो जाती है तुमने सांस ले लिया करो सांस धातु धातु अब सांस ले लो बोलो स्त्री शब्द बोलो त्री शब्द त्री बोलो त्री त्री अब सांस ले लो थोड़ी सी शब्दस शब्दस यार शब्दस्यार शब्दस्यार हाँ बोलो धातुस शब्दस्यार धातुस्त्री शब्दस्यार शब्दस्यार हाँ शब्दस्यार धातुस्त्री शब्दस्यार त्री शब्दस्यार धातुस्त्री शब्दस्यार धातुस्त्री शब्दस्यार हाँ जी सही बोले देखो धातु धातु स्त्री शब्द
अम्मा बिल्कुल सही बोलते हैं, धातु स्त्री शब्द स्यार। हाँ बस, तो ये कह रहा है कि त्रि शब्द हो, क्या शब्द हो, त्रि शब्द हो धातु से त्रि शब्द हुआ हो, तो आर आदेश होता है गुट विभक्ति के होने पर। नहीं समझ में आया भैया जी, क्या बोल रहे हैं? त्रि शब्द को आर आदेश होता है घुट विभक्ति के होने पर, जो घुटी त्रि शब्द को घुटी माने, भैया ने अभी बताया था ना जो अपन ने घुटी चा पढ़े थे। हाँ घुटी चा पढ़े थे, घुटी शब्द, घुटी शब्द। हेलो भैया जी, आवाज डिस्टर्बेंस हो रही है। अरे मैं ये कह रहा हूँ, घुटी चे सूत से आर होता था कि नहीं होता था? हाँ होता था। तो यहाँ पर कह रहे हैं आर नहीं होता है, आर होता है बस। अच्छा, मतलब इसमें आर होगा, इसमें रू को, इसमें आर होगा, रू को आर होगा इसमें। हाँ रू को नहीं, रीरी को, रीरी को आर होगा, रीरी पहले आर होता था ना, आर आर के जगह पर आर होगा ठीक है। जैसे आर होता था आर होगा, ठीक है। उठी चा सूत्र से आर होता था, अब आर होगा इस सूत्र से, उठ होने पर, उठ परे होने पर। और बाकी सब काम वही के वही होंगे, पुराने के पुराने। ठीक है हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, इसमें कौन सा शब्द चलेगा है? कौन सा शब्द चलाएंगे इसमें? जितने दुनिया के शब्द हो आपको तत्वार सूत्र का मंगलाचरण आता है? किसका? तत्वार सूत्र का मंगलाचरण आता है। हाँ, मोक्ष मार्ग से नितारम भेतारम क्रम भूप्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण अवधये। नेत्री शब्द के रूप चलाओ, नेत्र, ठीक है, नेत्री। हाँ चलाओ, बस ता के नीचे रेफ आएगा ना उसमें, ता के नीचे रेफ, ता के नीचे रेफ नहीं आएगा, रीरी आएगा। हाँ रीरी रीरी रीरी। हाँ चलाओ, नेत्री शब्द के रूप, नेत्री धन जी, पूरे चलाइएगा पूरे सी, नेता हो जाएगा पहले, नेता नेता नेता। और नेता दूसरा क्या बनेगा? दूसरा में नेत्री धन धन क्या है दूसरी विभक्ति? औ मतलब आपको नहीं पता कि कौन सी विभक्ति है, दूसरे से पूछ रहे हो? नेत धन आ धन औ, विभक्ति बताने वाला हेल्पर चाहिए आपको? नेतारौ, नेतारौ। और आगे चलो, जस विभक्ति में क्या बनेगा? बोलो नेतारम। एक कार्तिक शब्द के जो रूप चल रहा है तो इसमें आधा ता भी है क्या? वो बाद में पूछेंगे, बाद में बताएंगे। और धन अम भैया जी, नेतारम इसमें ना भैया जी, इसमें नेतारम सीधा नेतारम ऐसे बनेगा ना, सीधा ऐसे बनेगा, तो जो श्लोक में लिखा है वही बना है ना। नहीं नहीं, जो री है ना विकार का, तो आ हो जाएगा ना, आर आर होगा ना, तो क्या बनेगा आप बनाओ ना, मुझे क्या मालूम। हाँ तो नेता नेतारौ नेतारह नेतारम नेतारौ। और द्वितीया के एकवचन में क्या बनेगा? इसमें द्वितीया के एकवचन में अम विभक्ति के आने पर नेतारम। हाँ तो आप श्लोक में क्या बोलते हैं देखो, चेक करो, वही बोलते हो कुछ और बोलते हो? नेतारम। हाँ हाँ नेतारम भी तारम। पक्का? हाँ हाँ नेतारम। अच्छा नेतारम, हाँ यही बोलते हैं नेतारम, यही बोलते हैं। चलो रेखा दीदी। हाँ भैया जी। रेखा दीदी नेतारम दो तय होता है, नेतारम। रेखा दीदी। हाँ भैया जी। भेत्री शब्द के रूप चलाइए, भेत्री। भेत्री क्या? भेत्री धन सी, तो भेता हो जाएगा, भेता हो जाएगा, पूरे चलाइए। और भेत्री धन भेतारौ औ में, और भेतारे अस विभक्ति में, ठीक है। अम में भेतारम,
हाँ तो देखिए और बेतारा वापिस द्वितीय में द्वितीय का दूर में तो बोलिए चतुर्थ सूत्र का श्लोक बोलिए मंगलाचरण मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृतम ज्ञातारम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये कैसे लिखा है लिख के बताइए मुझे भेत्री कैसे लिखा है भेत्री क्या बे बे भेत्री एक ता और पांच बार कुत्ते वाला ता बनाइए किसका कुत्ते का ता जानते कुत्ते का ता हाँ हाँ कैसे लिखा जाता है कुत्ते का ता डबल ता होता है डबल ता ऐसे और नीचे रीरी लगाइए भेत्री बोलिए भेत्री भेत्री अब मंगलाचरण कैसे बोलेंगे जरा बोल के बताना रेखा दीदी मोक्ष मार्ग तारम बनेंगे भेतारम बनेगा भेतारम बोलने तो उनको रेखा दीदी को हाँ दीदी बोलो मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृतम भेतारम भेतारम हाँ भेतारम भेतारम होता है ना हाँ 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 बोलिए एक नहीं बोलिए भेतारम 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 दो है नेतारम में भी दो भेतारम 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 हाँ संतोष दीदी संतोष दीदी संतोष दीदी नहीं है क्या संतोष दीदी हैं बोल रही हूँ भैया जी संतोष दीदी बोलती हूँ नींद लगी है क्या संतोष दीदी की हाँ भैया जी हाँ ठीक है बनाइए यात्री शब्द का रूप बनाइए यात्री अशोक भाई साहब थोड़ी सी मदद कीजिए जय जिनेन थोड़ा संतोष दीदी को मदद कीजिए हेल्प कीजिए यात्री 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 भैया जी ये शास्त्री भक्ति में नेत्रुन बन जाएगा ना नेत्रुन नहीं बनेगा द्वितीया में बनेगा द्वितीया में बोलो द्वितीया में द्वितीय बहुवचन में लिख के बता देखो फिर उच्चारण करना क्या बनेगा नेत्रीन नेत्रीन नेत्र इसमें वही वाला शस्त्रकार शस्त्र वाला काम होगा ना हाँ वही होगा सब काम वही होंगे लेकिन उच्चारण सही करोगे तब तो होगा आप बोल हाँ, रहे नेत्रीन नेत्रीन हाँ, नेत्रा नेत्रिभ्याम नेत्रभिः हाँ नेत्रा हाँ सही बोलिए संतोष दीदी भैया जी हमसे नहीं बनता अरे ज्ञात्री शब्द का बनाना शिव भक्ति से लाने पर ज्ञाता ज्ञाता रौ ज्ञातारा जैसे कर्ता बनाया जैसे नेता बनाया जैसे माता बनाया जैसे पिता बनाया वैसे बोलो ज्ञाता ज्ञाता रौ ज्ञातारा ज्ञाता ज्ञाता रौ ज्ञातारा मंगलाचरण सुनाओ मोक्ष मार्ग का तत्काल सुत का मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृतम भेतारम भेतारम विश्व मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृतम कर्म भूभृतम ज्ञातारम विश्व तत्त्वानाम ज्ञातारम यही है ज्ञातारम अब चलिए छोटी दीदी जी भैया जी हाँ जी भैया जी ये हमारी टीकमगढ़ दीदी कुछ प्रश्न कर रही है इनका उत्तर दीजिए बोलिए जी भैया जी अब प्रश्न करिए हाँ भैया हाँ बोलिए प्रश्न करिए इसमें वो है ना कर्तरी हाँ कर्तरी नहीं कर्त्री कर्त्री
इसमें जो कर्ता रूप बना उसमें आता तब आ रहा ना, जब आपको जवाब देंगी। क्या प्रश्न क्या है? जो कर्तरी शब्द के जो रूप चलेंगे जी उसमें कर्ता रूप है ना, कर्ता रूप। हाँ त्रिवचन करता रहो इसमें। भैया जी अभी बताए ना कर्त्री शब्द में आउ जस अम उनका कुछ और, उनका प्रश्न कुछ और है। पहले प्रश्न को समझो क्या पूछ रही है वो। उसमें आदिता का उच्चारण हो रहा ना। नहीं आप पहले करो, पहले उसको समझ में आए जब तो उत्तर देंगे वो। जो कर्तरी शब्द है ना तो उसमें आदिता का उच्चारण नहीं है, और करता रहो है उसमें आदिता का उच्चारण है। जी आपको जवाब देंगी, आपको बहन जी जवाब देंगी। ये पूछ रहे हैं, सुनिए जी जी भैया जी जी भैया जी ये कह रहे हैं, इनका प्रश्न ये है कि पहले जो कर्त्री शब्द लिखा हुआ है जी उसमें एक ता है, हाँ। और जब रूप चल रहा है तो उसमें दो ता है, हाँ। दूसरा ता कहाँ से आया ये पूछ रहे हैं, इनको जवाब दीजिए। इसका जवाब ये है कि अपन ने रेफा क्रांतस से द्वित्व मशीटोवा में जो जो अशीट रहते हैं वो द्वित्व भी हो सकते हैं विकल्प से। कौन से नंबर का सूत्र है? त्रुमी शीडती भैया जी से पहले पूछो तो वो सही है कि नहीं जो मैं बोल रही हूँ। सही है सही है सही है ना, हाँ। तो वो विकल्प से द्वित्व हो सकता है, नहीं भी तो हो सकता, दोनों सिस्टम हो सकता। दोनों सिस्टम तो इधर द्वित्व, हाँ। नहीं करे इसीलिए इधर कर्त्री बस रहने दिए, बाकी भेत्तारम आदि में द्वित्व कर दिए इसीलिए, हाँ। उधर दो तो आ रहा है विकल्प से होता है उसमें। हाँ वो ना 32 नंबर का सूत्र है, 32 नंबर का 32 पूछो। समझ में आया दीदी? हाँ बहन, हाँ ये वाला सूत्र समझ पड़ गया, मतलब समझ आ गया ना। हाँ कि मतलब द्वित्व हो जाता है, जुत्ता है ना उसका आधा ता और हो जाएगा, हाँ वो अशीट है ना इसीलिए, अशीट है इसीलिए, रेफ से आक्रांत है, अशीट भी और रेफ से आक्रांत है, मतलब रेफ से सहित है, रेफ से सहित है, हाँ दीदी बहन, हाँ। तो इसीलिए अपन इसको द्वित्व कर सकते हैं विकल्प से, हाँ बहन। चलिए और चलिए अंक पढ़िए, पूरा समझ में आ गया आज। हेलो रचना दीदी, हाँ जी भैया जी आगे तो गया है, ये रेखारांत शब्द पूरा आ जाना चाहिए और कल हमारी तनख्वाह दे देना आप। रचना दीदी, रेखा दीदी, हाँ जी भैया जी, हाँ कल ये रेखारांत शब्द के रूप तैयार करके कल हमको सुना दीजिएगा। ठीक, क्या सुनाया भैया जी, क्या सुनाना है? आज जो पढ़ाया है कर्त्री रेखारांत शब्दों में पितृ शब्द में क्या बनता है, मातृ शब्द में क्या बनता है, कर्त्री शब्द में क्या बनता है, हार कहाँ होता है, इनके रूप आपको कल बताना है बिना देखे बिना चोरी चपाटी किए। भैया एक और प्रश्न पूछना है, कर्तरी को अंतिक्रम करेंगे तो क्या का आएगा, का धन आ, आप करो अनातिक्रम करो फिर पूछो ना, वही तो करके दिखा रहा है आपको, का धन आ धन रा धन ता धन रिरी, हाँ सही है चलेगा, हाँ यही है दौड़ेगा तो आधा रहेगा भैया कि पूरा। अब जब तुम यही तो दिक्कत है तुम्हारे मारे, अभी तुमने बोला क्या था, रा बोला हमने, आधा पूरा नहीं बोला इसलिए हमने पूछा है, रा बोला तो अनतिक्रम कर रहे हो तो रा बोलने का मतलब ही आधा है, वो आधा रा रहेगा आधा ता रहेगा, तब आपने बोला का फिर बोला आ तो इसका मतलब क्या हो गया, जब अनतिक्रमण कर रहे हो आप तो फिर ता राय ता रा बोलोगे कि रा और आ बोलोगे जब अनतिक्रमण नहीं किया तो, नहीं का भैया जी का धन आ धन फिर का धन
आधन ताके ऊपर रा लगी हुई ना कर्त्री ताके नीचे दोनों तरफ है ऊपर भी है नीचे भी है ऊपर रा है नीचे रि रही है हाँ ऊपर रा है तो रा भी तो लिखेंगे ना रा और री नहीं ताके पहले बोलेंगे ना रा अच्छा क के पहले लगाएंगे रा और री बाद में लगेगा री अरे ताके पहले रा है और ताके बाद में रि है हाँ भैया दीदी भैया जी क धन शुरू से मैं बोल रही हूँ क धन आ धन र धन ता धन री धन हाँ बस सही हो गया री धन क्या कर बोला री हो गई हाँ री 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 सी में री का आ हो जाएगा भैया सी में री का आ हो जाएगा ये तो हो ही चुका दो दिन से तो वही हो रहा है कल हमने सुना नहीं इसलिए पूछा भैया कोई बात नहीं जावानी के ज्ञान से सुझे लो सुझे लो।